Assalamu alaikum to all my dear students. Today I will teach you math of class 2, and in this video I will explain you some new topic of our chapter 11, lines and lines, and this is part 4 of our chapter. So let us start next topics from this chapter. So students, open your mathematics NCERT textbook and open page number 87. Okay students, let's start. Okay students, so the next topic is try the dance step given below and enjoy like Ramya. आपको कुछ डांस स्टेप फॉलो करने हैं. नीचे आप लोग जो फिगर में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह और रेम्या की तरह एंजॉय करना है. तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहले तो खड़े हो जाना है और अपने एक हाथ को कुछ फिगर में दिख रहा है इस तरह से रखना है, दूसरे हाथ को कुछ इस तरह से रखना है. दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेट लाइन्स विच लाइन्स आर फॉर्मिंग. ओके, तो चलो हम देखते हैं कि कौन कौन से लाइन्स यहाँ पर बन रहे हैं. सो द स्टूडेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फिगर दैट वेर इज स्टैंडिंग लाइन, वेर इज स्लीपिंग लाइन, वेर इज स्लांटिंग लाइन एंड वेर इज कर्व्ड लाइन्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. चलो हम देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन बन रही है. यू कैन सी हियर एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फिगर विच लाइन इज देयर. कौन सी लाइन बन रही है स्टूडेंट्स? येस, देयर इज अ स्लीपिंग लाइन. ओके स्टूडेंट, सो वी हैव टू राइट हियर ए स्लीपिंग लाइन. ओके, नेक्स्ट इज हर राइट हैंड साइड. वॉट इज देयर, विच लाइन इज देयर स्टूडेंट? येस, वेरी गुड, इट इज लुक लाइक ए कर्व्ड. सो इट इज अ कर्व्ड लाइन, राइट देयर, कर्व्ड लाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी एट अनदर लाइन्स. Her body side, what is there? Which line is there? There is a standing line. So we have to write there a standing line. Okay students, write here a standing line. इस तरह से आपको सारी figures observe करनी है और find out करना है कि कौन कौन सी straight line और curved line यहाँ पर use हो रही है और उसको वहाँ पर लिखना भी है. ओके, नाउ हियर हिज लेग, हर लेग, विच लाइन इज देयर? इट्स लुक्स लाइक अ स्लांटिंग लाइन, सो वी हैव टू राइट हियर ए स्लांटिंग लाइन. ओके स्टूडेंट्स, राइट देयर ए स्लांटिंग लाइन. सी एट अनदर फिगर्स एंड फाइंड आउट स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन, कर्व्ड लाइन एंड स्लांटिंग लाइन. सो वी विल सी एट द नेक्स्ट फिगर. ओके, ये फिगर भी कुछ आपको किस तरह से दिख रहा है, उसका ये लास्ट वाली जो फिगर है उसका हाथ कुछ कर्व्ड लाइन जैसा दिख रहा है. सो वी हैव टू राइट देयर अ कर्व्ड लाइन. ओके, सो नेक्स्ट, डिजाइंस विथ डॉट्स, जॉइन द डॉट्स विथ कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन्स. यहाँ पर आपको क्या करना है, डॉट्स ज्वाइन करके कुछ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन यूज करके कुछ ड्राइंग्स बनानी है. यू कैन सी हियर अ ड्रॉट ग्रीड पेपर इज गिवन. यहाँ पर कुछ डॉट ज्वाइन करके कुछ फिगर्स बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पर एक फिश है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव टू मेक अनदर शेप. हम कुछ और ड्राइंग्स बनाने जा रहे हैं ये डॉट्स ग्रीड यूज करके. हियर आई एम गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर. You have to join the dots like this and you can make a square like this. Okay students, okay, here is a square. Now we will make a triangle. Okay, now join two dots, then join two dots with a slanting line, then again a slipping line. You can see here a triangle is formed. Now hum circle banane ja rahe hain. We are forming a circle, a one curve. Join two dots and draw a another curve. Now one more curve and one more curve, and you can see here a circle is formed. Circle आपका बन चुका है. बिल्कुल इसी तरह curved line use करके यहाँ पर एक butterfly बनाया गया है. आपको भी बिल्कुल इसी तरह से lines use करके कुछ
ड्राइंग्स करने, आप लोग ये यहाँ पर जो ड्राइंग दिए गए हैं वो भी कॉपी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो आपको आइडेंटिफाई भी करना है कि कौन कौन सी लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ हुई है। सो हियर इज विच लाइन, येस इट इज़ अ स्लीपिंग लाइन। ट्राइंगल कौन कौन सी लाइन से बना है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ हियर इज अ सिंपल, इट इज ए स्टैंडिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट लाइन इज अ स्लांटिंग लाइन। गेटिंग स्टूडेंट्स, इस बिल्कुल इस तरह से आपको लाइन्स को आइडेंटिफाई भी करते जाना है और फिगर्स ड्रॉ करनी है डॉट्स को ज्वाइन करके। ओके, सर्कल इज मेड अप ऑफ कर्व्ड लाइन, सो यू हैव टू राइट देयर अ कर्व्ड लाइन। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे शेप्स की लाइन भी आइडेंटिफाई करनी है और वहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन्स इन पिक्चर्स। नेक्स्ट इज लाइन्स इन पिक्चर्स। नैन्सी सो दिस पिक्चर्स मेड बाई फॉक आर्टिस्ट। नैन्सी ने कुछ पिक्चर्स देखे जो कि फॉक आर्टिस्ट ने बनाए थे। सो स्टूडेंट्स, वॉट हु इज़ फॉक आर्टिस्ट? ये फॉक आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोग अपनी पेंटिंग बनाते हैं और ड्राइंग बनाते हैं और अपना कल्चर और ट्रेडिशंस प्रेजेंट करते होते हैं अपने ड्राइंग के थ्रू। सो वी हैव टू ऑब्जर्व देयर ड्राइंग्स एंड आइडेंटिफाई द लाइन्स। सो क्वेश्चन इज लुक फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स, कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लांटिंग एंड स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कहाँ कहाँ पर कर्व्ड, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लांटिंग लाइन यूज हुई है। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी हियर सो मैनी ड्राइंग्स। विच ड्राइंग्स यू कैन सी? ए ट्री, ए गर्ल, स्नैक, अ मंकी, अदर गर्ल्स, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ओके, सो फ्रॉम दिस ड्राइंग वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइन्स। यू कैन सी हियर अ मंकी इज गिवन, ड्राइंग ऑफ अ मंकी इज गिवन। विच लाइन इज यूजिंग हियर? उसकी टेल की तरफ देखो, विच लाइन इज देयर? देयर इज अ कर्व्ड लाइन, सो यू हैव टू राइट देयर अ कर्व्ड लाइन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम दूसरे ड्राइंग की तरफ भी देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लाइन्स यूज हुई है। यू कैन सी अ ट्री, कौन सी लाइन उसके ट्रंक में दिख रही है आपको? विच लाइन इज यूज इन ट्रंक? ओके स्टूडेंट्स, इट्स लुक्स लाइक अ स्लांटिंग लाइन, बोथ लाइन आर स्लांटिंग, सो यू हैव टू राइट ए स्लांटिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आपको इस तरह से दिख रही है ना स्टूडेंट्स, ये कौन सी लाइन है? स्लांटिंग लाइन। इसको आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पर लिखना है कि कौन सी लाइन है। गेटिंग, सी एट अनदर लाइन्स नाउ। ओके, यू कैन सी हियर एट इज ब्रांचेस। अब ट्री के साइड की ब्रांचेस में कौन सी लाइन बनी है हुई है स्टूडेंट्स? येस, डेट देयर इज अ कर्व्ड लाइन, इट्स लुक लाइक अ कर्व्ड लाइन। ट्रीज की सारी ब्रांचेस कर्व्ड लाइन से बनी हुई है। यू कैन सी अ कार्ट हियर। ओके स्टूडेंट्स, विच लाइन्स आर यूजिंग हियर? यू कैन सी हियर अ लाइन इज गिवन, जैसे कि स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, अगेन अ स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व्ड लाइन इज यूजिंग टू मेड अ कार्ट। Which line is here? Yes students, very good, it is a sleeping line, so you have to write there a sleeping line is given. Now it's another lines we have to identify also, so let's start identifying other lines. In its will, which line is using? Yes students, it is a curved line. Right students, so you have to write there a curved line. Okay, now next is we have to also identify the standing line. There is so many standing line using here, identify that lines. Okay students, and write there which lines are using there. So here is a standing line, so you have to write there a standing line. Now right here is standing line. Now draw the lines and write there
a standing lines. Okay, students, so these lines are standing lines. Now, see at another figures and find out all the lines, which lines are using. Okay, students, so I will give you this as homeworks. Okay, students.